हेलो गाइस, आज हम इस ट्रेलर वाले वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। यदि आपको भी सीखना है इस तरह की एडिटिंग तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरे पास कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी नहीं है, मैं एडिटिंग सिर्फ मोबाइल फोन से करता हूँ, तो आज भी मोबाइल फोन से ही एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे कैमश एप्लीकेशन, उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो इस एडिटिंग को आसान बनाने के लिए मैंने चार पॉइंट्स बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट है ऐड ऑडियो। यहाँ से एक वीडियो क्लिप्स को ऐड करेंगे और इस ऑडियो वाले आइकन पर क्लिक करके एक म्यूजिक को ऐड करेंगे। यहाँ से टाइम हैज कम लिखा है, ये वाला म्यूजिक को ऐड करेंगे। अब म्यूजिक को सुनेंगे और इस म्यूजिक को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे। यहाँ पे एक दो क्लिप्स और ऐड कर देंगे और म्यूजिक को सुनेंगे। अभी यहाँ पर क्लिक करके ट्रिम लिफ्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके वॉल्यूम इनवेलोप पे क्लिक करेंगे और इसकी वॉल्यूम को बिल्कुल 0% कर देंगे और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और इसकी वॉल्यूम को फिर से 100% कर देंगे। अब इसको प्ले करके देख लेंगे। अब फिर से इस म्यूजिक पे क्लिक करके इसके एंड वाले पार्ट को यहाँ से ट्रिम करके हटा देंगे और एंड पे एक सैड म्यूजिक को ऐड करेंगे। इस म्यूजिक को यहां से लगाएंगे और इसके बेकार वाले पार्ट को ट्रिम करके हटा देंगे। इसको भी वॉल्यूम एनवेलोप पे जाके थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके इसके आगे वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे। दूसरा पॉइंट है ऐड क्लिप्स। म्यूजिक के बीट के हिसाब से वीडियो क्लिप्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस वीडियो क्लिप्स को ऐड करेंगे, ट्रिम एंड स्प्लिट पे जाएंगे और म्यूजिक के बीट के हिसाब से वीडियो क्लिप्स को सेट कर देंगे। इस तरह के एडिटिंग के लिए यहाँ पर ही थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो क्लिप्स को जल्दी जल्दी से ऐड कर देते हैं। वीडियो क्लिप्स तो हमने ऐड कर दिया, लास्ट वाले क्लिप में एक फीमेल क्राइंग वाले साउंड इफेक्ट को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। अब एक बार प्ले करके देख लेंगे कि सही से म्यूजिक के साथ क्लिप्स ऐड हुए हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 3, ऐड टेक्स्ट। ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है, यहाँ पे हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे, उसके बाद इसकी फॉन्ट को चेंज करेंगे। अब इसकी इन एनिमेशन को ऐड करेंगे और यहाँ से स्केल डाउन को सिलेक्ट करेंगे और इसकी टाइमिंग को कम करेंगे और इसकी आउट एनिमेशन को भी स्केल डाउन सेलेक्ट करेंगे और इसकी टाइमिंग को भी कम करेंगे।
अब यहाँ पे क्लिक करके की फ्रेम को ऐड करेंगे। इन पे जाके टेक्स्ट की साइज को कम करके इसको मिडिल पे रख देंगे। यहाँ पे और एक टेक्स्ट को ऐड करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे प्रेजेंट और इसकी साइज को कम करेंगे और टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी करेक्टर को प्लस 50 कर देंगे और इसकी कलर को चेंज करेंगे। इसकी की फ्रेम को ऐड करेंगे टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करके सेम एनिमेशन को ऐड करेंगे। अब लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे जाके ये वाला वीडियो क्लिप्स को ऐड करेंगे और स्लिप पे जाके आगे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और स्प्लिट स्क्रीन पे जाके इसकी साइज को फुल कर देंगे और इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके मल्टीपल पर रख देंगे। अब एडजस्टमेंट में जाके इसकी कंट्रास्ट, हाईलाइट और शेडो को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। अब लेयर पे जाके ये वाला वीडियो क्लिप्स को ऐड करेंगे और यहाँ इसको ट्रिम राइट कर देंगे और इसकी भी साइज को फुल कर देंगे और इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके स्क्रीन करेंगे। अब एडजस्टमेंट में जाके इसकी टेम्परेचर और हाईलाइट को बढ़ाएंगे। फिर से लेयर पे जाके एक लाइट फ्लेयर वाले वीडियो क्लिप्स को ऐड करेंगे और इसको एडजस्ट करके इसकी आउट एनिमेशन को फेड करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन करेंगे और एडजस्टमेंट में जाके इसकी टेम्परेचर एंड हाईलाइट को बढ़ाएंगे। इस लाइट फ्लेयर वाले क्लिप्स को दोनों टेक्स्ट के बीच रखेंगे और इसकी इन एनिमेशन को भी फेड रखेंगे। लाइट फ्लेयर वाले क्लिप्स पे भी की फ्रेम को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से सारे टेक्स्ट इफेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए इसको भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं।
पॉइंट्स नंबर 4 है कलर ग्रेड। अब इस वीडियो में जितने भी वीडियो क्लिप्स हैं सारे क्लिप्स के कलर को एडजस्ट करके चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, क्लिप्स पे क्लिक करके एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और इसकी हाईलाइट को कम करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसकी कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा देंगे और इसके नेक्स्ट वाले क्लिप्स पे क्लिक करेंगे और एडजस्टमेंट में जाके इसकी हाईलाइट को कम करेंगे और इसकी टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाले क्लिप्स पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट में क्लिक करके इसकी हाईलाइट को कम करेंगे और इसकी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और इसकी शेडो और ब्राइटनेस को हल्का हल्का कम कर देंगे। तो चलिए इसको भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। अब लेयर पे क्लिक करेंगे और स्टिकर पे जाके एक सिनेमेटिक फ्रेम को ऐड कर देंगे और इसकी लेंथ को फुल कर देंगे। चलिए वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो चलिए ये वीडियो एडिटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस एरो वाले आइकन पर क्लिक करके हम इस वीडियो को सेव कर देंगे। तो आई होप कि इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।